Hey guys, welcome to NoFap 365। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जेस के ऊपर। इस वीडियो में मैंने पूरा कंटेंट डालने की कोशिश की है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। अर्जेस, बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं होगा कि हमारे पूरी नोफैप जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अर्जेस है। इनफैक्ट हमारी पूरी नोफैप जर्नी अर्जेस पे ही डिपेंड करती है। अब देखिए, अर्जेस का मतलब क्या होता है। अर्जेस का मतलब होता है तड़प। जैसे एक अल्कोहलिक को शराब की तड़प होती है, वैसे एक नोफैप वाले बंदे को सेक्सुअल कंटेंट की या फैपिंग करने की तड़प होती है, जिसके बिना वो रह नहीं पाता। उसे ही हम अर्जेस कहते हैं। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि हमें अर्जेस आते ही क्यों है। अब देखिए, इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपकी एक फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, आप उससे बहुत रेगुलरली बात करते हो। ऐसा करते हुए आपको 1 साल बीता, 2 साल बीता, फिर अचानक से उसने आपसे 1 महीना बात करना बंद कर दिया। तो आप खुद सोचिए, आपको अंदर से घुटन महसूस नहीं होगी? आपको उससे बात करने का मन नहीं करेगा? आपके अंदर थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग नहीं आएगा? थोड़ा पागल से हो जाएंगे आप? ऐसा होगा ना। वही सेम केस है नोफैप के साथ। देखिए, प्यूबर्टी में जिसे हम टीनेज बोलते हैं, जो अराउंड 15 से 19 इयर्स ऑफ एज तक रहती है, उसमें हमारे बॉडी में सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और यही सेक्स हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में या हमारे अंदर सेक्सुअल फीलिंग को कॉज करते हैं। अब देखिए, अर्जेस कई चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपके नोफैप जर्नी को कितना टाइम हो चुका है, आप पहले फैपिंग किस चीज़ को देख के करते थे वगैरह पर। और आपको अर्जेस भी कई टाइप की आ सकती है। हो सकता है आपको अर्ज हो रिलैप्स की, हो सकता है आपको अर्ज हो पॉर्न देखने की, या किसी भी चीज़ की अर्ज। तो ये डिपेंड करती है अलग अलग लोगों पे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक कड़वा सच, जो आपको पता नहीं पसंद आए या नहीं, पर अर्जेस कभी नहीं जाती है। हाँ, आपने सही सुना, अर्जेस कभी खत्म नहीं होगी, और यही रियलिटी है। हाँ, ये बात है कि समय के साथ आप उस पर काम कर सकते हो और आपको उसकी आदत हो जाएगी, पर वो कभी खत्म नहीं होगी। टाइम के साथ जब आपकी स्ट्रीक लंबी होगी, आपको नोफैप जर्नी थोड़ा आगे जाएंगे, तब आपको इस अर्जेस की आदत हो जाएगी, और तब आपको ये चीजें उतनी अफेक्ट नहीं करेंगी जितनी आपको अभी कर रही है। पर अर्जेस कभी खत्म नहीं होंगी, ये बात समझ लीजिए आप। देखो, एक सच्चाई है जिसे आप चाहे मानो या चाहे ना मानो, अर्जेस सबको आती है। जो नोफैप जर्नी में है उसे भी, जो नोफैप जर्नी में नहीं है उसे भी। पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप अपने अर्जेस को फैप करके निकाल देते हैं, और वो ऐसा नहीं करते। वो उन अर्जेस का यूज करते हैं किसी प्रोडक्टिव काम में। उन अर्जेस को अपना हथियार बना लेते हैं, और उस अर्जेस को एक प्रोडक्टिव काम में, जो आपको बाद में फायदा दे, जो आपको करना चाहिए, उस काम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप सब ये भी सोचते होंगे कि अर्जेस को कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। अब देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि पहले हमें जब भी अर्जेस आती थी, हम उसे फैप करके निकाल देते थे, पर अब हम उसे फैप नहीं करते, तो वो बिल्ड होती रहती है। ठीक इसी तरह हम जो नोफैप बेनिफिट्स कहते हैं, वो ऐसा कुछ खास बेनिफिट्स तो नहीं है, वो नॉर्मल बेनिफिट्स है जो हमें मिलती अगर हम इस पॉइंट के एडिक्शन में, इस फैपिंग के एडिक्शन नहीं फंसते, तो हमें वो बेनिफिट्स ऑब्वियसली नॉर्मली मिलती। तो ये कोई स्पेशल खास अलग तरह की बेनिफिट्स नहीं है, इससे समझ लीजिए। देखो, मेरा क्या मानना है ना कि हम अर्जेस से डरते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हम अर्जेस से डरते हैं, इसीलिए हम उसे फैप कर देते हैं। अब देखिए, बात तो लास्ट में वही आ जाती है जो एक फेमस कोट है, किड्स फैप देयर अर्जेस अवे, मेन यूज देयर अर्जेस टू गेट स्टफ डन एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। सेक्सुअल डिजायर ये एक फीलिंग होती है जो बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एक्शन से ट्रिगर हो सकती है। ये हर पर्सन के लिए वैरी करती है, और ये सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पर भी डिपेंड करती है। जरूरी नहीं सबको सेक्सुअल डिजायर्स हो। सेक्सुअल डिजायर दो रीजन से होते हैं। पहला, जब आपके आईज के सामने थोड़ा सा भी सेक्सुअल कंटेंट आता है, इवन अगर आप गर्ल्स को शॉर्ट ड्रेसेस में या ऐसा कुछ में देखते हो, या उनकी ऐसी कोई पिक देखते हो, तो आपके अंदर से अर्जेस आने लगती है। इसमें आपकी गलती है, ना कि गर्ल्स। देखिए, आप फैपिंग से इतने एडिक्टेड हो चुके हो कि आपके माइंड को आदत है सेक्सुअल कंटेंट, लेकिन जब आप नोफैप पर होते हो, तब आपके माइंड को कुछ भी ऑपोजिट जेंडर से रिलेटेड दिखता है, तो आपको अर्जेस आने लगती है। ऐसे में आपका ब्रेन
इसे सेक्सुअल कंटेंट मानकर आपको अर्जेस देता है, जिसके रिस्पॉन्स में आप वीक होकर रिलैप्स कर देते हो और फिर उस लड़की को अब्यूज करते हो, जो बहुत गलत है। आई एम स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट इट। अब चाहे आप नीचे डिसलाइक कर दो, यही हार्श रियलिटी है। जब लड़के शर्टलेस पिक डाल सकते हैं, तो लड़कियां भी जैसे पिक चाहे वैसे डाल सकती है, ये उनका पर्सनल डिसीजन है। जब आप खुद के लाइफ में फैपिंग से बाहर नहीं निकल पाए, तो आप कौन होते हो उसे जज करने वाले? और इतना ही है तो ये सब मत देखो। दूसरा, आपको अर्जेस आता है जब आप टेंशन में होते हो या आप किसी टाइप का पेन हो रहा होता है। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैपिंग से आपको प्लेजर मिलता है, तो इसलिए आपका ब्रेन आपको अर्जेस देता है ताकि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ये आपके लिए टॉर्चर बन जाता है एंड आई एम सॉरी टू से, आपको इसमें कुछ टाइम रहना होगा जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। एक चीज आई कैन अश्योर यू कि नोफैप के बाद यू विल सी द वर्ल्ड इन अ न्यू वे एंड यू विल बी हैप्पी विद द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अर्जेस को किसी भी तरह खत्म नहीं कर सकते हैं, आप उसे प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। जो मुझे लगता है इसके प्रिवेंशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, डोंट फियर द अर्जेस। अब देखिए, जब भी आपको अर्जेस आती है, आप उसे डर कर फैप अवे मत करिए, बल्कि आप उसे फेस करिए। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को लगे कि इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट, मुझसे और नहीं हो पाएगा, इसका मतलब है कि आप सही तरफ जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने हैबिट से ऑपोजिट काम करते हैं। तो इसलिए जब भी आपको अर्जेस आए, पहला काम आपको क्या करना है, बी ब्रेव। उससे डरिए मत, उसे फेस करिए। दूसरी चीज होती है एक्सरसाइज। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जब भी अर्जेस आए पुशअप मारना स्टार्ट कर दीजिए, पर आपको समझ नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों। अब देखिए, उसके बहुत सारे रीजन हैं, बट जो मैं समझता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं, तो पहली बात उससे हम अपनी बॉडी की फिटनेस पर काम करते हैं, जिससे हमें बेटर स्लीप मिलती है और हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। ऐसे में फिर हमारी अर्जेस कम हो जाती है। दूसरी बात, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और मन से अर्जेस निकल जाते हैं, और इससे हमारे बॉडी में भी बहुत सारे फायदे या बेनिफिट्स आते हैं। हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई ब्लड प्रेशर, उन सबसे बच सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू। और फिजिकली फिट होने से हमारा कॉन्फिडेंस में भी काफी इम्प्रूवमेंट होता है और हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हाँ, मैं इसमें एक और बात जरूर कहना चाहूंगा। अब देखो, एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि आप सीधे गए और 10 kg का डंबल उठा लिया। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज मतलब वेट लिफ्टिंग ही। अगर आपने पहले वेट लिफ्टिंग किया है, आपको उसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तब तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर हो, पहली बात तो ये करो मत। लेकिन अगर आप करोगे तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ करो। हमारा गोल सिर्फ एक्सरसाइज करना है और बॉडी को फिट रखना है, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, जंपिंग या कोई और बेसिक एक्सरसाइज। आपके लिए योगा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चीज आती है मेडिटेशन। अब देखिए, मेडिटेशन ना बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्हें मेडिटेशन का कुछ नहीं पता, बस उन्हें बोला जाता है मेडिटेशन करने, वो बैठ जाते हैं, अपनी आंख बंद कर लेते हैं और बस उनका हो जाता है मेडिटेशन। अब देखिए, ये बात सबके लिए वैलिड नहीं है। ऐसे लोग होंगे जिन्हें मेडिटेशन का अच्छा आइडिया होगा, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी और वो बहुत अच्छे से करते होंगे, पर मैं ये मेजोरिटी केसेस में बोल रहा हूँ, जो स्पेशली नोफैप का हाल है, नोफैप में जो लोग हैं। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, मेडिटेशन का मेन एम नोफैप के कंसर्न में, सिर्फ नोफैप से रिलेटेड मेडिटेशन का जो मेन एम होता है वो होता है फोकस। मतलब आप जो चीज करो आपका फोकस उसमें रहे, जो ये सेक्सुअल कंटेंट और बाकी डिस्ट्रैक्शन है, आपका माइंड उससे बचे रहे और आपका माइंड जिस काम में आप लगे हुए हो उसमें आपका माइंड फोकस्ड रहे, ये होता है मेडिटेशन का मेन चीज। अब देखिए, अगर आपको लगता है आप सही से मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, उसे कंटिन्यू करिए। मैं मेडिटेशन के लिए क्या करता हूँ ना, मैं एक कॉपी लेता हूँ, उसमें से एक पेज फाड़ता हूँ और वहाँ उस पेज पे एक पॉइंट बनाता हूँ, एक डॉट बनाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 10 मिनट तक उस डॉट को देखता रहूँ और अपना सारा ध्यान उस डॉट पे लगाए रख। जब आप ऐसा करेंगे, आपको अपने ब्रेन फोरहेड के सेंटर पे हल्का सा स्ट्रेस सा फील होगा, और मैं ऐसा बहुत टाइम से कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मेरा फोकस इम्प्रूव हो रहा है। अब देखिए, मुझे आइडिया नहीं कि ये मेडिटेशन का प्रॉपर वे है या नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, पर मैं ऐसा कर रहा हूँ और इससे मुझे हेल्प मिली। आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, हर रोज दिन में 5 से 10 मिनट कॉपी लीजिए, उस पे डॉट बनाइए, पॉइंट बनाइए, उस पे अपना पूरा फोकस लगा दीजिए, पूरे एक शांत रूम में अपना पूरे माइंड के फोकस से आप उस पे ध्यान लगाइए। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे।
बाकी आपको अगर अपना मेडिटेशन कंटिन्यू करना है आप करिए, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ट्राई जरूर करिए। अब फोर्थ चीज की बात जो आती है वो आती है प्रोडक्टिव वर्क। मैं आपसे हमेशा ही बोलता हूँ कि आप काम करिए, और काम भी कोई टाइम पास वाला नहीं कि आप लेट गए बेड पे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या दोस्तों से बात कर रहे हैं। आप काम करिए प्रोडक्टिव काम जिससे आपको फायदा मिले, आउटपुट मिले। एक बात याद रखिएगा मेरी, कोई भी दिन आपका वेस्ट नहीं होता है, ईच डे मैटर्स। आपको लगता होगा कि आज जो आप ये कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है अभी नहीं पर आगे जरूर मिलेगा। आप अगर शांति से बैठ के सोचोगे आपको समझ में आएगा कि आज आप जिस भी हालात से गुजर रहे हो वो आपके पिछले कुछ दिनों के काम की वजह से है, आपके पिछले कुछ दिनों के एक्शन की वजह से है। अगर आप अपने पिछले कुछ दिनों में फैपल नहीं करते तो आज आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचते कि जिससे आपको घिन आने लगे। और ये बात मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोलूंगा, ये मेरे पे भी वैलिड है और जो भी लोग फैपिंग से एडिक्टेड थे उन सबके लिए वैलिड है। तो एक बात समझ जाइए कि हमारे फ्यूचर के एक्शंस हमारे आज से डिपेंड करते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ईच डे मैटर्स। तो देखिए टॉपिक पे वापस आते हुए मैं बोलूंगा कि प्रोडक्टिव वर्क क्यों करना है। मेन एम है आप काम करो, आप काम करो आपका बॉडी थकेगा। जब बॉडी थकेगा मतलब आप इतना काम करो कि जैसे ही आप रात को बेड पे लेटो आप सीधे नींद में चले जाओ, आपको एकदम लेटते ही बेड पे नींद आ जाए। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि आप सुबह उठे 5 बजे, सुबह 5 बजे उठे, थोड़ा अपना एक्सरसाइज वगैरह किया, मेडिटेशन वगैरह किया, उसके बाद आप सुबह से लग गए काम में, फिर सुबह तक काम किया, दोपहर काम किया, रात को आप जब सोना है आपको बेड पे लेटते ही नींद आ जाए। ऐसा होना चाहिए। आप खुद सोचिए आप मोफैप क्यों कर रहे हो, ताकि आप एक बेटर जिंदगी जी पाओ, आप ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर पाओ जिससे आपको सक्सेस अचीव हो। आप लोग क्या करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में दिन भर बेकार की बातें करते रहते हो, एक दूसरे को गाली देते रहते हो, उसका क्या फायदा। नोफैप का मेन एम क्या है, फैपिंग को रोकना या फिर एक ऐसा इंसान बनना जिसपे आपको खुद पे गर्व हो, मतलब दूसरों को आप पे लगे दूसरों का एक प्राइड बन जाओ आप, ये एम है, या फिर एम है सिर्फ फैप ना करना। आप खुद सोचिए आप नोफैप पर क्यों आए थे, ताकि आप अपना बेटर वर्जन बन सके, ऐसा वर्जन जो आपका बेस्ट हो आज तक का, वही एम है ना। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे दिन भर बैठ कर व्हाट्सएप ग्रुप पे बेमतलब की बात करके क्या फायदा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप इम्पोर्टेंट है, उसका यूज है, इनफैक्ट मेरा खुद का भी ग्रुप है, उसका यूज है आपका हेल्प करना उस पे। ये मतलब नहीं कि आप दिन भर उस पर बात करते रहो, यूज है जब आपको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा हो तो आप उस पे लोगों से पूछ सको, लोगों से बात कर पाओ। जब आपको तो सेल्फ डिप्रेशन सा लग रहा हो जो नोफैप में होता है, तब आप लोगों से बात कर पाओ, कंसल्ट कर पाओ, ये एम है उस व्हाट्सएप ग्रुप का। आप लोग क्या करते हो, बैठ के उसमें बेमतलब की बातें करते रहते हो और पता नहीं क्या एक दूसरे को गाली देते हो। आप खुद बोलिए ये सब सही है करना। भाई अभी तो आप लोग सब यंग हो, प्रोडक्टिव काम में लगो, सक्सेस चाहिए या नहीं, या दिन भर वही बैठे रहना है। काम करो, ये शरीर बना ही किस लिए है, काम करने के लिए। सुबह उठो काम करने पर लग जाओ। आप बोले काम नहीं है तो नेट पे सर्च करो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, और उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, उस क्राइटेरिया पे वर्क करना अभी से चालू कर दो। अब आप बोलोगे वर्क कैसे करो, तो हमारा जनरेशन इतना लकी है, हमें यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। आपको जो कोर्स चाहिए, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, कुछ भी चाहिए हो आप यूट्यूब देख सकते हो। और अगर आपका काम कुछ और है, आप स्टार्टअप करो, आप ट्राई तो करो, इन्वेस्टमेंट करो अपने आगे वाले ड्रीम पे, काम करो तब तो कुछ होगा। सब बातें मेरे पे भी वैलिड होती है, मैं खुद से भी ये सब कहूंगा और खुद से हमेशा कहता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं खुद भी भटकता हूँ, तो मैं खुद को ये सब बताता हूँ और वापस ट्रैक पे आता हूँ और आने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। तो इसलिए नोफैप ग्रुप पे बेकार की बातें करने से अच्छा है आपसे उस पे काम की बातें करो, और अपना मेन ध्यान, अपना मेन गोल प्रोडक्टिव वर्क पर रखो। मानता हूँ आपको नोफैप में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन और एंजाइटी, और कभी कभी प्रीकम होता है, कभी कभी नाइटफॉल होता है, और बहुत कुछ, तो वो सब ही डिस्कस करो। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो जिससे आपकी फीलिंग, इमोशन या कुछ भी हर्ट हुई हो, तो आई एम रियली सॉरी, पर मैं आपको सच ही बता रहा हूँ। आप शांत मन से बैठ के सोचिएगा। इसका लास्ट प्रिवेंशन जो है मेरे हिसाब से है कि आप इसके बारे में इतना सोचना बंद कर दो, ओवर थिंकिंग। आप खुद सोचो यार, आप सुबह उठते नहीं, आप पहले नोफैप व्हाट्सएप ग्रुप खोल के बैठ जाते हो। आप अगर एक चीज के बारे में इतना सोचोगे तो उसे दूर कैसे रहोगे, उसको छोड़ोगे कैसे। आप खुद सोचिए, कोई शराबी जब वो शराब छोड़ रहा होता है तो क्या वो दिन भर उसी के बारे में सोचता है। आप सुबह उठते नहीं उससे पहले आपके दिमाग में नोफैप आ जाता है, रात को सोते वक्त आपके दिमाग में नोफैप आ जाता है, तो आपकी नोफैप जर्नी लंबी कैसे होगी। या आपने मान लिया आपके लाइफ में एक ही चीज है फैप, नोफैप, खत्म, इतने भी जिंदगी खत्म। आपके जिंदगी में और चीजें नहीं है और लोग नहीं है, जिंदगी में कोई एम है या नहीं है ना, उसके बारे में सोचा करो। मतलब ऐसा होना चाहिए सुबह उठो तो आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई मेरा एम ये है, मेरे को करना है। सुबह उठो गई, जिंदगी की लड़ाई चालू हो गई है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अपने ड्रीम को अचीव करना है, ये होना चाहिए।
और आप क्या करते हो? आप सुबह से ही नोफैब को लेके बैठ जाते हो यार, ऐसे कैसे चलेगा? फैब ग्रुप बस दो रीजन के लिए खोलो, एक जब आपको कोई प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम के बारे में लोगों से पूछने के लिए और कंसल्ट करने के लिए, और दूसरा जब आपको अपनी स्ट्रीक बतानी हो, आपके ग्रुप में अगर कोई नोफैब चार्ट चलता हो उसके हिसाब से आपको स्ट्रीक बतानी हो तब नोफैब ग्रुप खोलो। बाकी नोफैब ग्रुप में बेमतलब बातें करके अपना टाइम वेस्ट करके क्या फायदा? हो सकता है ऐसे ऐसे आप फैपिंग से बाहर आ जाओ पर आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी हम सब यंग है तो हमें काम पे ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा, आपकी लाइफ एमलेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एमलेस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। भाई आप खुद सोचो क्या मतलब जिंदगी का अगर कोई एम ना हो? एम चेंज होगा, एम चेंज करते रहो पर लाइफ को एमलेस मत रखो। एक एम आपके सामने क्लियर होना चाहिए जो आपको करना है और उस पे रोज काम करना है जितना आप कर सकते हो, मतलब आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। तो शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा कि आप नोफैप के बारे में इतना मत सोचिए, अपनी नॉर्मल जिंदगी काटिए, नॉर्मल जिंदगी बिताइए। आपके दिमाग में ये रहेगा तो आपके एक्शंस में वो सब में इम्प्लीमेंट होगा। आप दिमाग में नॉर्मल जिंदगी रखिए जैसे आप कोई नॉर्मल पर्सन हो, और सबसे बेस्ट आप सोचिए आप फैपिंग से अडिक्ट हो ही नहीं, फैपिंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती, आप ये सोचिए और नॉर्मल जिंदगी जिए। तो इससे मेरे ख्याल से आपकी नोफैप जर्नी पे फर्क पड़ेगा और आपकी स्ट्रीक बढ़ेगी अगर आप इसके बारे में इतना सोचना छोड़ दो। ओवरथिंक नहीं करना है याद रखिए। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि आप मेरा वीडियो देखो और जाके रिलैप्स करना चालू कर दो, ये नहीं। मैं कह रहा हूं बस ओवरथिंक मत करिए इसके बारे में। जिंदगी में बस ये नहीं है, और भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम।